अस्सलाम वालेकुम। बीए बीएससी एडीपी एमए एमएससी की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें। तो जैसा कि आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन साइंस, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स के 2023 की रजिस्ट्रेशन और एडमिशन ओपन कर दिए हैं और आप लोगों को ये अपडेट सक्सेसफुल ग्रेजुएट की जानिब से मिल चुकी होगी। तो हम डिस्कस करने लगे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एम ए एम एस सी के मतलब, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एम ए एम एस सी की रजिस्ट्रेशन भी पहले ओपन हुई थी लेकिन वो भी उसके साथ ही क्लोज़ की गई थी। लेकिन अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने बी ए बी एस सी ए डी पी के लिए तो ओपन कर दिया लेकिन एम ए एम एस सी के लिए नहीं की। तो स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं कि उसका क्या डिसीजन हुआ है। तो स्टूडेंट एक बात याद रखें कि एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन साइंस कभी भी बंद नहीं किया गया और ना ही इंशाल्लाह आगे बंद होगा। इशू जो चल रहा है वो इशू एम ए एम एस सी का चल रहा है एच ई सी के साथ, क्योंकि एच ई सी चाहती है कि पाकिस्तान में हम बी एस सेमेस्टर यानी कि सेमेस्टर सिस्टम को लॉन्च करें। बी एस चाहे वो बी एस फिफ्थ सेमेस्टर से आगे कंटिन्यू हो, यानी कि प्राइवेट एनुअल जो सिस्टम है ना वो ख़त्म कर दिया जाए। तो ये यूनिवर्सिटियाँ जो है ना वो नहीं चाहती, स्टूडेंट भी नहीं चाहते, तो इस वजह से मसले मसाइल चल रहे हैं। तो इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी एम ए एम एस सी का अभी तक नहीं अनाउंसमेंट की, क्योंकि जब तक एच ई सी परमिशन नहीं देगी तब तक पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं ओपन कर सकती। ए डी पी की इजाज़त है तो ए डी पी की ऑलरेडी उन्होंने ओपन कर दी है रजिस्ट्रेशन भी और एडमिशन भी ओपन कर दी है, लेकिन एम ए एम एस सी के लिए फ़िलहाल कोई भी डिसीजन नहीं हुआ जिसकी वजह से एम ए एम एस सी की रजिस्ट्रेशन या एडमिशन ओपन नहीं हुए। तो इसलिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा जब तक एच ई सी परमिशन नहीं देती, और एच ई सी परमिशन कब तक देगी ये यूनिवर्सिटी को भी नहीं पता, ठीक है। और उम्मीद है कि अब आप लोग प्लीज़ वेट करिएगा, इंशाल्लाह जैसे ही एच ई सी ने परमिशन दी आप लोगों को फौरी अपडेट मिल जाएगी सक्सेसफुल ग्रेजुएट की जानिब से। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।